इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात करें फिल्म दबंग 3 के बारे में। जी हाँ, दबंग 3 की शूटिंग जब से शुरू हुई है तब से ही दबंग 3 राजनीतिक गलियारों में फंसती हुई नजर आ रही है। कभी दबंग 3 को लेकर कुछ लोग और नेता सामने आ जाते हैं कि ये हिंदुत्व को ठेस पहुंचा रही है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, तो वहीं अब दूसरी तरफ जब फिल्म का दूसरा शूटिंग शेड्यूल शुरू हुआ जो कि मध्य प्रदेश मांडू में शुरू होना था, अब इस बात को लेकर शूटिंग फिर से खतरे में पड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग रोकी जा सकती है, फिल्म को जो शूटिंग करने के लिए अनुमति दी गई है वो वापस ली जा सकती है। जी हाँ, ऐसा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि इस समय जल महल में सलमान खान की फिल्म की शूटिंग चल रही है और वहाँ पे दबंग 3 के 2 सेट लगाए गए थे। ये कहा जा रहा है कि उन 2 सेट में से 1 सेट को जब हटाया जा रहा था तब वहाँ से जल महल में स्थित मूर्ति खंडित हो गई है। जी हाँ, खंडित का मतलब उस मूर्ति का एक हाथ टूट गया है, जिस बात को एक चश्मदीद गवाह ने देख लिया और वो जा पहुँचा पुरातत्व विभाग के पास। जी हाँ, अब पुरातत्व विभाग ने दबंग 3 को लेकर एक नोटिस जारी कर दिया है कि वो इस बारे में जानकारी दे और इस बारे में बात करे। अब वहीं दूसरी तरफ एक खबर और ये सामने आ रही है कि पुरातत्व विभाग स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और इस बात की जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को देगा कि दबंग 3 की शूटिंग की परमिशन उन्हें मिली है वो कैंसिल कर दी जाए और फिल्म की शूटिंग रोक दी जाए, क्योंकि फिल्म भारत की धरोहरों को नुकसान पहुंचा रही है और सलमान खान को भी इस बात पर जवाब देना होगा। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए फिल्म को लेकर, तो फिल्म को लेकर प्रोडक्शन हाउस को नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इस बारे में अपनी बात रखें और बात कहें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा किस कारण से हुआ। खैर, ये तो अलग बात थी। अगर बात की जाए फिल्म को लेकर, तो फिल्म जब से स्टार्ट हुई तब से ही राजनीतिक गलियारों में फंसती नजर आ रही है। फिल्म को लेकर पहले ये खबर सामने आई थी कि फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने एक शिवलिंग के ऊपर तख्त रख दिया था, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा था। तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म की शूटिंग जब मध्य प्रदेश में वहीं इंदौर में हो रही थी तब उस समय कहा गया कि एक लोहे के मोटे तार से किले को बांधा गया था जिससे किले को नुकसान पहुंच सकता था, उस बात को लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। अब ऐसे में देखना होगा जो फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है और फिल्म के स्टारकास्ट में सबसे बड़े अभिनेता जो है सलमान खान, वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग को रोका जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स और फिल्म के मेकर्स को नई लोकेशन तलाश करनी होगी इस फिल्म की जो बाकी शूटिंग है उसको पूरा करने के लिए। अब देखते हैं इस बारे में कोई नई अपडेट कब तक आती है। तब तक आप बने रहे हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।